नमस्कार, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। यूपी के इलाहाबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रविवार को ही इलाहाबाद पहुंच गए थे। इससे बैठक को यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की आधिकारिक शुरुआत भी माना जा रहा है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका दिया है। माल्या ने ईडी की ओर से संपत्ति कुर्क किए जाने के पहले ही एक को बेच दिया। इससे बात की पुष्टि ईडी के अधिकारियों ने भी किया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक 1411 करोड़ की जिन दो संपत्तियों को कुर्क किया जाना था उनमें से एक को माल्या ने बेच दिया है। माल्या ने जिस संपत्ति को बेचा है वह कर्नाटक के कुर्ग स्थित कॉफी प्लांट का हिस्सा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने विदेशों में रखे काले धन को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर अपना असंतोष व्यक्त किया। वहीं यह भी कहा कि जब संसद में सांसद सुन रहे हों तो सड़कों पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा, काले धन के मुद्दे पर सरकार द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के कारण मैं और देश के लोग असंतुष्ट हैं। योग गुरु ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से इस मुद्दे पर बातचीत की है। जब लोग संसद में सुन रहे हों तो हमें सड़कों पर नहीं बोलना चाहिए, वे कम से कम सुन तो रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद, जेडीयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उषा सिन्हा ने साल 2010 में बिहार विधानसभा में जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक उन्होंने 8 साल की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव करोड़ों रुपए के चारा घोटाले मामले में सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत में पेश हुए। अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध तरीके से 331 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़े मामले में 38 लोगों को तलब किया था। इसमें लालू यादव भी शामिल थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। जॉनी बॉय राइड पे चले, चल चल चिल थोड़ा बाइक पे करे, चल चल जॉनी बॉय। ओ ओ सर, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना no है? नो बॉस, थैंक यू। बाइक पे बैठ के इन्वेस्टमेंट प्लान जॉनी, कम ऑन मैन। सॉरी ब्रो, एनीवे जॉनी बॉय राइड पे चले, चल चल चिल थोड़ा बाइक पे करे। नॉट अगेन जॉनी, व्हाट्स अप बेबी? आई एम राइडिंग, आई विल कॉल यू बैक। ओके कूल। राइड के बीच में चिट चैट फिजूल, जॉनी सो नॉट कूल, सो नॉट कूल। जॉनी बॉय राइड पे चले, चल चल चिल थोड़ा बाइक पे करे। जॉनी, वेयर इज द प्रेजेंटेशन? आई मेल्ड इट इन द मॉर्निंग सर। थैंक गॉड, देखा राइड के बीच में बॉस का फोन। जॉनी क्यों लेता है लोन? व्हेन यू आर ऑन द रोड गो फॉर ओनली सैमसंग गैलेक्सी J3 विद एस बाइक मोड। कॉलर सुनेगा कि तुम चला रहे हो बाइक, यू कैन कॉल बैक इफ यू लाइक। और अगर कॉल इम्पोर्टेंट हुआ तो कॉलर वन दबाएगा, तेरा फोन बच जाएगा, तू बाइक साइड पे लगाएगा और बात कर पाएगा। सिंपल रियली। सैमसंग गैलेक्सी J3 विद एस बाइक मोड, राइड टेंशन फ्री।